मुंबई के वर्ली इलाके में आज एक चौंकाने वाला हादसा जो है हमारे सामने है। हम आपको बता दें कि मुंबई के वर्ली इलाके में एक हिट एंड रन का मामला जो है वो सामने आया है। हम आपको बता दें इस पूरे मामले में एक महिला की मौत हो गई है। इस वक्त जिस गाड़ी की आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही गाड़ी है जिसने आज सुबह वर्ली इलाके में एक दो पहिया एक्टिवा को जो है वो जोरदार टक्कर मार दी जिसमें एक महिला की जो है मौत हो गई है। हम आपको बता दें जो लड़का जो है वो गाड़ी में मौजूद था उसके जो पिता है वो शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजेश शाह हैं जिनका बेटा मिहिर शाह जो है उस वक्त गाड़ी में मौजूद था। उसके साथ ड्राइवर जो है मौजूद था। तो पुलिस लगातार जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं आपको बता दें पुलिस ने अभी तक जांच में जो है राजेश शाह यानी कि जो लड़का गाड़ी में मौजूद था मिहिर शाह उसके पिता राजेश शाह और ड्राइवर को जो है वो इस वक्त हिरासत में लिया है। लगातार उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों को हिरासत में लिया गया है क्योंकि ड्राइवर भी उस वक्त गाड़ी में मौजूद था तो लगातार उससे सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार हादसे के वक्त जो है गाड़ी कौन चला रहा था। तस्वीरों में देखें तो ये वही एक्टिवा है जिस पर एक पति पत्नी सवार थे मछुआरे पति के साथ। उनकी पत्नी जो है मौजूद थी लेकिन ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि पत्नी की जो है इस पूरे मामले में जो है वो मौत हो गई है। तो ऐसे में पुलिस हर एंगल से जो है वो जांच कर रही है। जो मुंबई में हिट एंड रन का जो घटना जो हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और मैंने पुलिस के साथ बात की है, मेरी बातचीत हुई है। इसमें कोई भी हो उसको एक नज़रिए से देखा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी कार्रवाई जो है वो सख्त की जाएगी नियम के अनुसार। वो जो भी हो कानून के सामने सब बराबर है।